ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक जगह है खुरासान, जो ईरान में आती है। कहते हैं लगभग 90% से ऊपर जितने भी सूफी पीर फकीर हुए हैं वे सब इसी जगह से आए हैं। इसीलिए इतिहासकार इस जगह को खुरासाने बुजुर्ग भी बोलते हैं। पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड में स्वागत है। आजकल दिल्ली की जो जगह है हौस खास, मालविया नगर, साकेत से लेके तुगलकाबाद तक जो एरिया था वह दिल्ली का चौथे नंबर का शहर था, जिसे जहांपनाह कहा गया, जो 13वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। इसीलिए आपको इन जगहों पर ऐसी ऐसी इमारतें मिलेंगी जो कि ताजमहल, हुमायूं के मकबरे से भी लगभग 100-200 साल पुरानी है। तो ऐसा ही एक स्ट्रक्चर खिड़की गांव में स्थित शेख यूसुफ कत्ताल की मजार है। इनके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पर ये 15वीं शताब्दी के काफी प्रभावकारी व्यक्ति थे। ये इब्राहिम लोदी के समय दिल्ली आए थे और 1527 में इनकी मृत्यु बाबर के कार्यकाल में हुई। ये जो आप मकबरा देख रहे हैं, ये शेख अलाउद्दीन ने बनवाया था। शेख अलाउद्दीन बाबा फरीद के पोते थे। बाबा फरीद वही हैं जिनके शिष्य निजामुद्दीन औलिया साहब थे। पाकिस्तान का फरीदकोट शहर भी इन्हीं के नाम पे बसा है। ये काजी जलाउद्दीन लाहौरी के शिष्य थे। इनके मरने के बाद इनका मकबरे का निर्माण करवाया गया। जितने भी सूफी संत हुए हैं, उनके पास कोई ना कोई बख्श होती थी, जो लोगों की तकलीफों का हरण करती थी। तो ऐसा ही इनके साथ भी था। ये सतपुला से पानी लाके लोगों की स्किन से रिलेटेड जो बीमारियां होती थी उसको ठीक किया करते थे। सतपुला 13वीं शताब्दी का वह आर्किटेक्चर वंडर है जो कि 19वीं शताब्दी तक भी इस्तेमाल में आ रहा था। 1920 के करीब जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ, तब जाके यहां से बहने वाली जो नहर थी उसको दूसरी तरफ किया गया। उस नहर में मेला लगता था, जहां कहा जाता था कि जो इस नहर के पानी में नहाएगा उसके शरीर की बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो शायद वह प्रथा यूसुफ जी के समय से ही चलती आ रही होंगी। बहरहाल आज भी आप इस मकबरे की खूबसूरती देख सकते हैं। आज भी नीले रंग की टाइल्स इसके गुंबद में लगी हुई हैं और लाल बलुआ पत्थर पर जालीदार नक्काशी की हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो गुंबद पर छतरी और कमल दोनों ही बने हुए हैं। तो जब भी आप मालविया नगर या खिड़की गांव की तरफ जाएं तो ताल साहब की मजार देखना ना भूलें। लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आती है, पर देखने के लिए कोई टिकट नहीं लगती। ही हराए मनोरंजन वही जो ज्ञान बढ़ाए। धन्यवाद।